छी हम गलीबिया गलीबी में जियै छी, छी हम गलीबिया गलीबी में जियै छी। पोलै न लिखै छी देहाली कमाई छी, छी हम गलीबिया गलीबी में जियै छी। की कहलियै हमर बाबू कहलकै बौआ दुनू बाप बेटा मिलके कमेबा खटेबा सागे तलक चलबा। तू ना लाल ले, तू ना लाल ले बौआ। की करै छी, की करै छी, काज कलै छी एते ना, एते काज कलै छी हम। देखै जा ए ऊपर बने घर त ओते हम काज कलै छी। तू एतना काज करै छी? हाँ। अरे पढ़ाई लिखाई छोड़ के काज क्या करे छा? तोर बाबू तो काज करते छो। चचा बात ये है कि तू छो तो जानते छा कि हमारा घर के स्थिति, ते लैके हमर बाबू कल के कि बुआ पढ़ना लिखना छोड़ आ जाओ देहाली कमाओ, हमू एम्हल कमेब आ ओम्हल तूहो कमेब, तो दुनू तलब से पाई अतः तो आगे मुँह के बढ़बे। अरे बाल बच्चा के पढ़ाबे लिखाबे के चाहिए, काम करवाबे। चचा काम निकलबे तो फेल खेब कता छे, तू तो जानते चाक ना चलता बात। बउआ जा तोरा बाबू से बात करबो हम कि वो पढ़ाई लिखाई छोड़वा क्या काम करवाबे है, पेट नहीं भरे ओकरा, दू दू गोरा काम करते घर में, अपना कमाई से नहीं भरे पेट। बाल बच्चा से काम करवाबे, पढ़े तो लिखे तो सुने बाप रे, एहने एहने इंसान बाल बच्चा के मुरुख छोड़ दे है, आगे लागे बाल बच्चा पछताए है, काम लेबर मजदूरी खटे है, तब बड़ा हो। घुमरल घुमरल बाल मोरा बबुआ के, घुमरल घुमरल बाल मोरा बबुआ के, घुमरल ए घुमरल घुमरल बाली आय आइए, बड़ खुश नजर आ रहा की बात। आइए केना ले खुश रहिए, जकर साइयो कमाई छ बेटो कमाई छे त खुश नै रहू आय, त भाग वाली छे मारो साइयो कमाई बेटो कमाई आय। आ एकटा चीज यहाँ के देखा त यारो खुश भ जेबै। महंग लगे छे कुछ नही है, ए 9000 रुपया चुआन कमेने रहे आ जे किछ पैसा हमरा पास में रहे दुनु मिला के तब लेलिए हनी सोना के मंगलसूत्र। ओहिला ने कहली जे दु चार गो बेटा जावरो रहित त पान पाने से चार बगल से लाबित कमा के ताव रुपया होती ढेला पुराल दीदी के 10 गो बेटा है या आ 10 कमा के लबै छै त 10000 15000 के रोज होइ छै ओकरा घरे। आय हमरो जे रहित ओते बेटा त हमरो त होइत पैसा एक के गो भेला यहाँ ऑपरेशन करा देली। आय केना ने ऑपरेशन करैये का? आय डॉक्टर साहब का हाल खून ओ के बाद ये दूसरा होगा तो पेशेंट को जान भी जा सकता है। ना श्री है जी मास्टर साहब, प्रणाम प्रणाम। कहो की बात छे आई हमरा अंगना मेल खिन हो? अरे मंटू ना टुनटुन स्कूल काहे नहीं जाता है पढ़ने के लिए, अरा का लड़की जो है फुलैया। ओ हाँ कहली कि दुनु छोरा जे छ की कहै छी चार गो पांच गो बकरी रख लेलिए हन, ग्रुप त्रुप जे उठेने छिए से कत्ता से भरबैयो मास्टर साहब, तै चलते जे छ बकरीए रख लेलिए हन, बकरी दुनु छोरा चराबे ला जाय छ, साल में चार गो का खसी होय छ वेह बेच के ग्रुप। आ पढ़ाई में वैसे भी छोरा सब पढ़ने तो कथी ला हम स्कूल भेजिए, आ स्कूल में तो किछो दिए बने कर छथिन कोनो चीज के लाभ, लाभ हो दै छ त बुझे छ आदमी की जे हां लाभ दै छ, खिचड़ी दै छले अंडा दै छले ई सब त दै नै छथिन त कथी हम भेजिए स्कूल पढ़ा कर। बताइए बताइए कैसा लोभी माँ है आप, आ? कि खिचड़ी अंडा देगा पैसा देगा चावल गेहूं देगा तब बच्चा को स्कूल भेजेगा पढ़ने के लिए, और नहीं देगा तब नहीं पढ़ाइएगा बच्चा को। की अंगना में जे छे दाल भात तरकारी बना दे छे खा ले छे दुनु छोरा आ चल जा छे बकरी चढ़ा के आबे छे, आय तो झुठेला पढ़ेला कथी छे। अब वैसे भी हमरा खानदान में के पढ़लक, हमर ससुर मूर्ख छे सासु मूर्खे छले, आय तो जेकरा खानदान में पढ़ल रह छे से ना, आ हम हो मूर्खे छी तो पढ़ा लिखा के कोन कलेक्टर बने बेटा बेटी के, यही तो सोच आप लोग का गलत है।
अरे जिसका बाप दादा नहीं पढ़ा तो उसका बेटा पोता तो पढ़ सकता है ना। जरूरी नहीं कि लोग गरीबी में पैदा लिया तो लोग गरीबी रहता है, वो अमीर भी बनता है। जरूरी नहीं कि मूर्ख घर में पैदा लिया तो मूर्ख रहता है, और वो भी पढ़ लिख के नौकरी कर सकता है। हमरा नहीं पढ़ा मास्टर साहब की बुझे छे हम मूर्ख छी तो हमरा दिमाग नहीं छे की आय कितना पढ़ लिख लेते तो घर में खाना बेटी बनेबे करे छे त चलते हम बेटियों के नहीं जाए दे छी स्कूल आ की आ जाए देबे आय कथी मिले छे छात्र आप तो बच्चे का भविष्य खराब कर रहे हैं आय। अरे बेटी पढ़ लिख लेगी तो और अच्छा रहेगी, शादी ब्याह कीजिएगा, ससुराल जाएगी तो उसको मान सम्मान मिलेगा, यहाँ तक कि बेटी पढ़ लेगी तो नौकरी मिल जाएगा, नौकरी हो जाएगा तो दान दहेज भी नहीं देना पड़ेगा, लड़का भी नौकरी वाला मिल जाएगा। तो नहीं भेजा कहे छे केहन केहन पढ़ल लिखल सब तो गाँव घर में देखे छे मौगी सब घास छिलत रहे छे आ हमर बेटी पढ़ लेते तो कौन कलेक्टर कोरी करते। अरे यही तो सोच आप लोग का गलत है, पता नहीं आप लोग के दिमाग में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, इसीलिए बिहार इतना पीछे है। अगर हर घर से हर बच्चा पढ़ने लगेगा ना तो बिहार कभी नहीं पीछे होगा, हर घर में शिक्षित होना जरूरी है, साक्षर होना जरूरी है। ठीक छे मास्टर साहब अहाँ सब पढ़ाओ बाल बच्चा के, अहाँ सब कोनो चीज नहीं देबे लाभ तो कथी ला जेते हमर बाल बच्चा आय। अरे लाभ क्या नहीं दे रहा है, छात्रवृत्ति दे रहा है, साइकिल दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है सरकार। खिचड़ी जब बने छे ले लाबे छे छिपे छिपे तो घर में खाना ही नहीं बनाबे छे ली खिचड़ी खा कर रह जा छे ली एक दिन के तक गरीब आदमी छी ओन हमरा यानी सारा निर्भर सरकारे पर आप लोग रहते हैं, पूरा निर्भर सरकारे पर रहते हैं। अरे आप लोग तो मूर्ख है ही और बच्चे को भी मूर्ख बना रहे हैं, ऐसी तरह करते रहिएगा तो आप तो गरीबी के जिंदगी में जी ही रहे हैं और बाल बच्चे को भी गरीबी के जिंदगी में जी लाइएगा, कम से कम पढ़ लिख लेगा तो आगे तरक्की करेगा ना। हाँ हाँ जाओ हमरा नहीं पढ़ा कोई छे हमरा कोई खानदान में पढ़बे नहीं कल के हम बाल बच्चा के पढ़ा कर कौन कलेक्टर गिरी बना जाओ। वैसे भी दोनों छौरा हमर गेल छे बकरी चरा के एते तो कहबे दू गो जरना बीच के लाग जरनो आर नहीं छे घर में। कैसा कैसा लोग सब है, जाइए जाइए आप लोग को गरीबी है जिंदगी में जीना है तो जाइए रहिए हम चलते हैं। कोई नहीं छे हमरा आयल हन पाठ पढ़ावे ला आय एकरा नौकरी है तो तनखा मिलत होते हमरा बाल बच्चा के कथी मिले है एता तक की एगो खिचड़ियो दे छले सेहो नहीं दे है तो कथी ला जेते स्कूल। दिलबा लो गेल पियल की फलाक बाली ओ दिलबा लो गेल पियल की फलाक बाली ए ए चुरा लाल ए लड़का रुको आ पलाम चल प्रणाम बाद में करना। अरे स्कूल का है नहीं जाता है रे ए चल हमला देने बात के लिए हमला मैं बाबू से बात के लिए जाके अरे जो कहेगा मैं बाबू वही ना कहेंगे चल आए तुम्हारे मम्मी पापा से जाके हम बात करें। अरे हमल मैं बाबू कहा है कि बकरी खली दिया है बकरी के तुम जाके भोले खुतच दो गाछी में, हम दौड़ के गए भोले उठे खुतच के आए हैं तो कल बाद एकदम जाए गए हैं बॉल उठाने के लिए 5-6 रुपया माले हैं चल जी 5-6 रुपया। अरे अभी तुम्हारा उम्र है ये सब करने का, अभी पढ़ाई करने का उम्र है, पढ़ो लिखो ये सब मत करो। ए पढ़ लिख के क्या होगा चल जी, पढ़ लिख के कुछ नहीं होता है, अलाम से दिहाली खाते है अब मजा से रहते हैं। अखन जाले है चल जी एगो टेंट वाला के बल्टन पहुंचाना है, हमको बोला है 3-4 रुपया देंगे पहुंचा दो खाली, हम जाते हैं पर लोड कर लेंगे बल्टन के आज चले हम उल्लू लाते एकदम चले जाएंगे। पढ़ेगा नहीं ना चल मन नहीं लगता हम माँ बाबू कहते हैं नहीं पढ़ाई लिखाई करो। अच्छा है तुम्हारा मम्मी पापा तो पढ़ा नहीं, खुद अंगूठा छाप है तो उसका बच्चा कैसे पढ़ेगा, कम से कम अपना नहीं पढ़ा तो बच्चा को तो पढ़ना चाहिए। तुम्हारा भविष्य खराब हो रहा है ये सब काम करने का, तुम्हारा उम्र है ये सब काम करने का। ये सब छोड़िए ना आले उम्र लो है आना लो है एक बात कहती है बैठिए ना आइए ना। अरे बैठेंगे का है बोलो ना कहे की एक जन खैनी दो दीजिए ना मारेंगे चोटा मुँह फुला देंगे सीधे देखिए चल जी से तू खैनी मांगता है चल जी। बात ये है कि एक बार बलिया जगह पीला एकदम पियल को के लगा लेंगे खैनी आ थोल में ले लेंगे हुलहुल आब के एकदम चला जाएंगे अपन। दिमाग है ये नहीं कि गुरु से किस तरह से बात किया जाता है। चल जी बात नहीं ये समझिएगा आप आले हम तो देखिए बॉल उठाने गए थे तब गुल एकदम लोल तोल में धो लिए तकर बाद धुलझाल एकदम बॉल उठा का फिली हुई छोजे आगे
अगर खैनी मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो जाएंगे एक लबनी ताली पियेंगे, अब मजाज बनेगा अपना। अच्छा, काम में लगेंगे। अच्छा, खूब पीते रहो। तुमको हम क्या कहेंगे, तुम्हारे तो माँ बाप से जा रहे बात करने के लिए, उसी को हम समझाएंगे बुझाएंगे, क्योंकि वही जो है तुमको बिगाड़ दिया है, पढ़ाई लिखाई तुमको छोड़ा करके काम काज पे लगा दिया। जा रहे तुम्हारे माँ बाप से बात, जाइए जाइए, कोई बात नहीं। अरे मैं बाबू हमको कहता है काम करने के लिए, हम काम करेंगे कि हम जाएंगे पढ़ने के लिए, उन्हें तो पढ़ने में कोनो मन नहीं लगता है। ढोरवा जी है, ढोरवा जी, ढोरा जी है। हाँ बाबा, कमा का चले ला रे। सजग सजग, सोते उठता है जैसे सपना देखते रहता है कि कमा के आ गया। हाँ, पढ़ने लिखने की उम्र में ठेला खिंचवाते अपने बच्चा से, कमा के आ गया। प्रणाम मास्टर साहब। क्या प्रणाम करते हैं? हाँ, पढ़ने लिखने की उम्र में बच्चा को ठेला खींचने के लिए भेज दिए है, और लड़का को कैसा लत लग गया है कि गुल खाता है, तम्बाकुल खाता है, गुटखा खाता है, खैनी खाता है। यो मास्टर साहब, कमाते न तो खोते कहाँ से यो? हाँ खाएगा, जन्माए तो नहीं सोचे कि कहाँ खाएगा, ना भी टूटा उसको काम करने के लिए भेज दिया ठेला खींचने के लिए। सर वह ना सोच लिए कि बेटो कमाते साइयो कमाते तब ना दो महला चार महला पाँच महला कोठा पिटबे। दो महला चार महला यो सरकार जलाई छी। हमको क्या है, हमको तो ड्यूटी मिला है कि घर घर से बच्चा को ला करके स्कूल में पढ़ाना है, हमको क्या है? अहाँ के ड्यूटी नहीं मिला था, अहाँ अपन जगह खोजे छी कि बच्चा नहीं होते पढ़े ला, तो हमारा तो तनख्वाह मिलत नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग तो खुद मूर्ख है और बच्चे को भी मूर्ख बना रहे हैं, उसका भविष्य आप खराब कर रहे हैं। और वैसे भी उस बच्चा को उम्र क्या है, बाल मजदूरी करवा रहे हैं, अगर पता चलेगा चाइल्ड लाइन को, चाइल्ड विभाग को, तो फिर आप लोग पे केस हो जाएगा, और उस जो काम करवा रहा है उस पे भी केस हो जाएगा। बाल मजदूरी कराना कानूनी अपराध है। ए वो ना दू गो, आज दू गो ना चार गो हमारा घर में धिया पुता है का, गाँव में घूम कर देखियो जाकर, पाँच पाँच गो छह छह गो धिया पुता है का बेटा जन्मे ने, चारू बगल से कमा को भाई तो मोट रुपया घर में हो का। यही तो हम दुए वक्त ना कमा रहा, यही तुम लोग का सोच खराब है, यही खराब है। बाबू है, बाबू हाँ बाबू, ले ले पैसा कमा के चली। कमा का देखियो जे बाबा, अब ना तरक्की होती जाए। आई चाइल्ड को देहाली मान लिए, चाइल्ड को बताइए, बच्चा जो पैसा कमा कर आया तो माँ बाप कितना खुश हो रहा है, यही बच्चा जो पढ़ लिख के नौकरी चाकरी करता था और कितना खुशी मिल। बाबू है, बाबू हाँ बाबू, देखा पैसा कमा के चल लिया। अरे बाबू बाबू के हम कमा कर सुन लो, कथी कह खसी के मिठरी एक किलो और बादाम आधा किलो लिया, हम अपना बेटा के बादाम के खीर बना। सही है, बेटा हमारे कमा के मखान खीर बना के दिया, मखान के खीर। अरे तुला चाइल्ड को देहाली के पाई है बुझली। हाँ देखलिए मास्टर साहब, हमारे बेटा कत कमा के एक दिन में चार चार गो दिहाड़ी मार दे है। हाँ तभी काम मिल रहा है ना, तो चार चार दिहाड़ी मार रहा है। अरे कमाना तो जिंदगी भर है, अभी जो मूर्ख है कमा के आया तो 300 रुपया कमाया है, पढ़ लिख लेगा तो 3000 रुपया कमाएगा। देखो शिक्षित होकर कमाना कुछ अलग बात है, और मूर्ख होकर कमाना अलग बात है। यो मास्टर साहब, सालाना जो है यहाँ के खसी बकरी में हम जो 30-40 रुपया कमा ले छी का, बुझलो कि नहीं बुझलो, उन्हें भ जाए है। अरे हम क्या समझावे आपको, इसी चक्कर में तो बिहार इतना पीछे है। बकर बकर करे हमारे बेटा कमाए तो हमारे घर वाला कमाए तब हम आगे में बढ़वा। मास्टर साहब, हमारा बेटा के पढ़ावे के नहीं, डीएम सीएम नहीं बनावे के। हाँ हाँ, हम लोग तो जा ही रहे हैं, आप लोग मूर्ख है ही, अब बच्चे को भी मूर्ख बनाइए। हम लोग मिलल चल मास्टर साहब, अब चलिए थल्ला लोके तो पढ़ लिख कथी हो जाए, कथी हो जाए पढ़े लिख, पढ़ते लिखे तो 2000-1000 फीस भरे पड़ते। दोनों बाप कम ले लिए हम, तब फॉर्म भरा है, फॉर्म भरा लिया है? नहीं यो बउआ, हम कहाँ फॉर्म भर लिया, हमरा तो मालूम नहीं छले। कहलो भौजी फॉर्म लिया और भर के जमा कर दियो ब्लॉक में। यो बउआ अहाँ तो हद करे छी, हम कौन सा पढ़ल लिखल छी जे हम फॉर्म भरबे, एहन कारण अहाँ भर दियो ने बउआ। बुझी भौजी, हम पढ़ल लिखल रहे छी तो हम फॉर्म नहीं भर लेती है, हमू जान पर गमा अंगूठा छ। तो चलू देखे छी जे पढ़ल लिखल होते ओकरे से फॉर्म भरा। हाँ भौजी चलू चलू। रे मनसुखा,
ब्लॉक फॉर्म भरे ला तू तो फॉर्म भरे लग ना फॉर्म हो जाए जी बलो ये कथी के फॉर्म अरे कहलिए कि कोनो चीज के त हेते ने सरकारी लाभ मिलते त चलते फॉर्म दे छे भरवा अरे तू केहन भ गेल रे कोनो कुछ त हमरा कहै छी तू आय अपने मचे घूमे घूमे चल जाए छ कच्चा और छटे ला घूमे घूमे ने भर ला घन ल बुझा ल फॉर्म ला ल अब भर लिया फॉर्म बुझा रे हम केना भरबै तने भर दी ना तू तो जानबे कर सकी हम अनपढ़ गमा अंगूठा छाप छे पचमे क्लास में हम स्कूल छोड़ के तकले बकरी चरबे ले बुझियो बुझियो कहां भर दियो का ये हम तो आरो अंगूठा छाप में तो साइनो नहीं आवे केहन बात बाजे एहन कर ना के कनिया तो पढ़ल है ओ की कह छी ओ तो अंगूठे छाप है हम अंगूठे छाप छे का आ बेटा का जे पढ़ती ऐसे ओकरा पढ़ाई लिखाई थोड़ा का काम है धरा दे सब गोरा हन पढ़े के मार छे तो फॉर्म भरते के आखे में यो बुआ वे हाथ से सोचे छे एकटा एकटा है गांव में पढ़ा लिखल जे यो बुआ गुटी दाई अरे हां हां तो ऑफिस में नौकरी कर रही है हां तो चलो ने हन कर छे ओकरे से भरवा ले छी आप जल्दी से फॉर्म जमा करबे तो ना जल्दी चल 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 हेलो हां सर बस घर से निकल के 10 मिनट में मैं ऑफिस पहुंच रही हूं क्या करूं वैसे लेट हो गया हां सर नाराज मत होइए बस पहुंच गुड दाई या गुड दाई मैं आपको कॉल बैक करती हूं इतना गुड दाई कनी फॉर्म कनी भर दी ता ब्लॉक में सब आदमी के भरा गेले हमरे सब के बात भर देना फॉर्म अभी मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है वैसे मैं बहुत लेट हो चुकी हूं ऑफिस के लिए दाई भर दे बेटा जल्दी से जमा कर दे भाई अल्लाह उठ जेते एना तो सब भर आ गेले एकदम से पिछुआ जबई का देखिए सर मन तन चल जेते सर ऐसे में बहुत गुस्सा आ रहा है आप लोग फिर कभी आइए मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है ऑफिस ये दादा भर दे है फॉर्म भर दे हम सब के देखिए फॉर्म ने भर ले पूरा गांव में भरा गेले फॉर्म हम ही सब पिछुआ आ गेले आप लोग बात को समझने का कोशिश कर रहे टाइम नहीं है मेरे पास से ये पढ़ा लिखा छ तब ना कहै छियो का सही बात है पढ़े लिखे है तभी ना हमारे पास अभी टाइम नहीं है अब मुझे जाने दीजिए ऑफिस ये 5 मिनट लगते ढाई से भर दे हां एक बार चल जाइए का ऑफिस 1 मिनट का टाइम है आप लोग एक हफ्ते के बाद आइएगा जा ये गुड्डी दाई ये यो यो अगर जे नहीं टाइम से जे भरवे आप ब्लॉक में तो लाभ अपना सबके नहीं मिलत कोना भेटते बात अपना तो मैं बाप कह रहे रे बुआ पढ़ ले नूनो रोटी खा के पढ़ ले मतलब ओ दिन में अपना सब सोचबे नहीं के लिए चले गए बकरी खोल के बकरी चरवाई ले अभी देखो और ओ दिन का पछतावा हो रहे हैं ना आज पढ़ा लिखा रहे तो गिर गए नहीं पर हम तो भरा जते ना अपना सबके क्या बात करू चलो ना मास्टर साहब मास्टर साहब हमरा आंगन में गया छले ओकरा त हम बेइज्जत क के भगा दिन छले आप जे जेबे ओकरा लंग त केहन लगते ओकरा यो किछ नै होतै का चलू ना गोधारी पकड़ के फॉर्म भरवा लेबै चलो चलो देखे छी चल जरूरी है ना जी सर हम आ रहे थोड़ा किन्ही टोला पर से विजिट करके ठीक है मास्टर साहब पता परनाम मास्टर साहब परनाम मास्टर साहब फॉर्म में कर भर दियो त हां सर फॉर्म भर दे हां अरे आप लोग त खुद विद्वान हैं विद्वान मास्टर साहब पढ़ा लिखा नहीं तो अपने ना भर लेती है का आ ना कोठी ला जाती है ओ अब जाके दिमाग खुला है एक तो गांव में लगा है तब एक तो गांव में छह बछड़े गुटी डाई पर हल ओकरा करे तो मुंह एक का चल दल के आ ना फल भर दल के अब समझ में आया ना कि शिक्षित होना कितना जरूरी है आजकल के जमाने में पढ़ाई लिखाई कितना जरूरी है अंगूठा छाप का मतलब भैंस के बराबर है पढ़े लिखे रहोगे तो समझदार रहोगे बुद्धि रहेगा दिमाग में से तो सही कहानी सा आय हमरा पछतावा भ रहल ह जे पढ़ा लिखा रहती तते दिक्कत नै होय दोसर के नै अथी में रहती आय तने सर हम ओकरा कहलिए से ऐठ के तना नै चल गेले गुड्डी दाई फॉर्मो नै भर देलके सर भर दियो ना हम तो भर ही देंगे लेकिन अब कम से कम जे आप लोग होशियार होइए संभालिए सोचिए इस बात को खुद नहीं पढ़े तो कम से कम बच्चा सबको पढ़ाइए बच्चा को भविष्य बनवाइए सही बात कह रही सर अब चलते पढ़ल लिखल भर दिया तो मुँह टेर कर चल जाए कते हमरा जे है दिक्कत कते परेशानी तैं कहै छी अहाँ सबके आइ काल्हि के युग में पढ़ाई लिखाई के बहुत बड़ा महत्व है पढ़ल लिखल रहब तब दोसर के लेहोरा नहीं करे पड़ा कोनो फॉर्म जे नहीं केकरो कहबे भरे ले अपने से भर ले तें दुआरे कह छी अपने सब के कि धिया पुता के नीक जका पढ़ाओ आ हे एकटा बात जे है कान खोल के सेहो सुन लिया बाल मजदूरी में धिया पुता के कखनो नहीं भेजू बुझला जना हम अपना बच्चा के भेजलिए बाल मजदूरी करे ले
तेना यहाँ सब नहीं भेजा, नहीं तो बाल मजदूरी केना कते बड़का बात है पता है यहाँ के। तुरंत अगर जो पुलिस वाला के पता लग जाते आ सरकार के तो यहाँ के जेल भ जाए, केस भ जाए। ते दुआरे बच्चा से बाल मजदूरी कहूँ नहीं कराबी, ओकरा पढ़ाबी लिखाबी और अपने काज करी।